आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर लाल चौक, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और सुबह से जानकारी और अपडेट आप सभी को साझा कर रही हैं। चित्रा, कितना माहौल, क्या कुछ उमंग तरंग जोश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी की वहां पर मौजूदगी और मौका खास है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले हैं राहुल गांधी। चित्रा, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद लाल चौक पर, इसी जगह पर तिरंगा फैलाते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। उसके पहले पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, संजय जरा आप दिखाइए। यहाँ पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे दूर दूर तक, पीछे की तरफ आप दिखाइए, सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की यहाँ पर भारी तादाद में मौजूदगी है। दूर तक अगर आप चले जाएंगे लाल चौक के किसी भी हिस्से में, चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। सर, आप कुछ बात करेंगे? ना, वो बात नहीं है, मीडिया है ना यहाँ पे, वो मुझे कहना था। अच्छा, बाहर जाना है, मैं बस चली जाऊंगी, अभी जा रही हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो घंटा घर है। आप देखिए, ऊपर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद। हालांकि यहाँ पर हमेशा से ही तिरंगा लहरा रहा है 370 के खात्मे के बाद, लेकिन आज किसी बड़े नेता की ओर से जब यहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा तो वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट ले रही है, कह रही है 370 खत्म किए जाने के बाद राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंचकर तिरंगा लहरा पा रहे हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल के ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कितने देर में पहुंचने वाले हैं राहुल जी? थोड़ी देर तक पहुंचने वाले हैं। उसके पूरा कार्यक्रम क्या होना है सर? हाँ जी, आप लोग बड़े सफेद गेटअप में अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या है मकसद? पहले तो हम सब लोग कांग्रेस सेवा दल के हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली थी, आज वो जो अटकाले लगाए जा रहे थे कि कभी कश्मीर में नहीं पहुंचेंगे, वो यात्रा आज कश्मीर में पहुंची और खास करके लाल चौक में पहुंची है और यहाँ पर तिरंगा झंडा जो है लहराया जाएगा राहुल जी की। तिरंगा कहाँ पे लहराएंगे राहुल जी? कहाँ पर? यहाँ पर ये देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे, ऊपर लग चुका है और यहाँ पर फहराते हुए राहुल गांधी आपको तिरंगा नजर आएंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी विंग के तमाम जवानों की भी मौजूदगी है। कितने अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में और राहुल जी आज झंडा फहराएंगे। बहुत उत्साहित हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप लोग? इतना उत्साह है कि देश का हमारे राष्ट्रीय राजनीति सही बोलेंगे। इधर आ जाइए सर, पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है बताइए। यहाँ पर अभी जैसे यात्रा वहाँ पर समाप्त होगी, उसके बाद यहाँ पे 11:50 के आएंगे और 12 बजे यहाँ पे तिरंगा झंडा लहराया जाएगा लाल चौक पे। कन्याकुमारी से निकले थे और यही तय, कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे और लाल चौक में तिरंगा लहराएंगे और हम सब कहेंगे मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। और हम लगातार इस देश की अन्य संस्थाओं को भी संदेश देना चाहते हैं कि छोड़े दूसरों गानों को, अब गाना है तो राष्ट्रगान गाओ, छोड़ो दूसरे झंडे को, फहराना है तो तिरंगा फहराओ, छोड़े दूसरे गंधों को, अपनाना है तो संविधान को अपनाए। तो हम संविधान राष्ट्रगान के साथ साथ अपने तिरंगे, लग रहा है आप लोग कुछ गुनगुनाना भी चाहते हैं, कुछ सुनाएंगे? गाना गाते रहते हैं। कोई कौन सुनाएगा बताइए, देशभक्ति गीत कौन सुनाना चाहेगा? अच्छा, बाद में कर लूंगी। देखिए राहुल जी के आने का वक्त हो रहा है, यहाँ से हमें हटाया जा रहा है, यही तिरंगा यहीं पर फहराते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे। अब चूंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमें कहा जा रहा है, जहाँ पर मीडिया के दूसरे तमाम कैमरों का जमावड़ा है वहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम सीधे उसी हिस्से में जाते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। आपको बताते चले 1990 में जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद एक चुनौती के तौर पर, और बड़ा दिलचस्प है कुछ कहानियों को आपस में जोड़ना आशुतोष, देखिए कन्याकुमारी से एकता जोड़ो यात्रा चली थी कई राज्यों से गुजरते हुए, तब के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी, यहाँ पर आकर जी, बिल्कुल चित्रा आप बने रहे और हर तस्वीर हर खबर से दर्शकों को अवगत कराएं। मौसमी के पास हम लिए चलते हैं सभी दर्शकों को, आप वहां पर मौजूद है चित्रा, जहां पर राहुल गांधी अभी पहुंचने वाले हैं, उत्साहित है लोग, लेकिन मौसमी की मौजूदगी वहां है जहां राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है। मौसमी, आप कहां पर हैं, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, कौन कौन लोग मौजूद हैं राहुल गांधी का साथ निभाने और कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए इस वक्त आशुतोष आपको बता दें, कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक यात्रा को लेकर काफी गदगद है।
क्योंकि हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो लोगों का हुजूम है, गाड़ियों का ताता है, वो ये बात बयां कर रहा है। दूर आपको कांग्रेस के झंडे भी दिख जाएंगे कि कांग्रेस ने जो यात्रा शुरू की थी, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसने अपनी मंजिल पाई। जो मकसद था इस यात्रा से, न सिर्फ जनता से जुड़ने का बल्कि कांग्रेस को जीवंत करने का, वो मकसद संजीवनी के तौर पर ये यात्रा कांग्रेस के लिए आई है। और अब सुनावर चौक पर ये काफिला राहुल गांधी का पहुंच गया है। लगभग 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो पंथा चौक से शुरू हुआ था आशुतोष, तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो काफिला है, लगातार जैमर्स और काफी पुलिस की सख्त बंदोबस्त के बीच ये यात्रा आगे बढ़ी है। अपने आप में ये वो वक्त है जब पहली बार इस तरह की यात्रा जम्मू कश्मीर में धारा 370 रद्द होने के बाद एक सियासी यात्रा इस तरह की निकाली गई है, और जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है इसको एक मील का पत्थर मान के चल रही है। बिल्कुल, कांग्रेस मील का पत्थर मानकर चल रही है, और निश्चित तौर पर और भरपूर साथ भी देखने को मिल रहा है। लोग भी वहां पर जम्मू कश्मीर में हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एक बार दोबारा दर्शकों को लिए चलते हैं लाल चौक, जहां चित्रा त्रिपाठी की मौजूदगी है। चित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कहां कहां से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल यात्रा का समापन है। ऐसे में भव्य कार्यक्रम, और उससे पहले आज लाल चौक पर तिरंगा फहराने का यह कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक और खास। बिल्कुल ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है। देखिए, आपको बताते चले, आजादी के बाद ऐसा बहुत कम हुआ है जब लाल चौक पर किसी बड़े नेता की ओर से तिरंगा फहराया गया हो। देखिए, बार बार 370 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे याद आती है वो तमाम तस्वीरें भी जब इसी लाल चौक पर पत्थरबाजी होती थी, इसी लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था और बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है। लेकिन अब वही लाल चौक है जब पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमारे देश का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा, जो हम सबकी आन बान शान का प्रतीक है, तिरंगा झंडा फहराता हुआ इसी लाल चौक पर मेरे पीछे आप देखेंगे नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ किसी बड़े नेता की ओर से यहां पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया जाना, ये अपने आप में यकीनन एक तरफ बदलते हुए हिंदुस्तान की कहानी भी बयां कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा बलों ने किस तरह की अपनी कुर्बानी दी इसी जगह की, इसी सरहद की सुरक्षा के लिए, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कब कब वो ऐतिहासिक मौका आया है जब यहां पर झंडा फहराया गया हो, तो उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश भले ही आजाद हो गया था लेकिन यहां के राजा हरि सिंह कोई फैसला नहीं कर पाए थे। अक्टूबर में जब पाकिस्तान की सेना की ओर से आदिवासियों का वेश धारण कर यहां पर हमला किया गया था, तो उस समय आनन फानन में हरि सिंह की ओर से निर्णय लिया जाता है और फिर जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ कराने के लिए दस्तखत किए जाते हैं। उसके बाद पूरी कमान हिंदुस्तान की सेना अपने हाथ में लेती है और फिर यहां से तमाम पाकिस्तानी सेना को भगा दिया जाता है। आपको बताते चले कि 1948 में यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के साथ पहुंचते हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की बड़ी जीत हिंदुस्तान को मिली है उसका जिक्र यहां से किया जाता है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला 1975 में कई बार यहां पर आकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1991 में मुरली मनोहर जोशी, जो तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी ओर से कन्याकुमारी से एकता यात्रा निकाली जाती है और फिर यहां पर आकर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और उस समय आतंकवाद यहां पर चरम पर था, पास में ही, जैसा कि मुरली मनोहर जोशी के शब्दों में अगर मैं कहूं, पास में ही रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा था, वहां पर लगातार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में लगे हुए थे। लोग, उन लोगों को 15 मिनट के लिए यहां पर तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में करके, उस समय नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे, वो अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जाता है। और राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए, देखिए, तीन मकसद कांग्रेस पार्टी का, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बीजेपी पर वो लगातार कड़ा वार कर रही है, दूसरा, आजादी के बाद से 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसका सबसे बुरा दौर 2014 और 2019 में हम सब ने देखा जब 44 और 52 सीटों पर सिमट गई, इस बार अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए राहुल गांधी की यही यात्रा, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में अगर देखें तो जबरदस्त समर्थन। बिल्कुल चित्रा, लोगों का भरपूर समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन ये वोट बैंक में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी, ये बड़ी बात होगी।